माशाल्लाह, ये खूबसूरत शाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। लाहौर का मौसम एकदम जैसे लग रहा है दोबारा हमारे लाहौर में जो है वो सर्दी आने के इम्कान हो रहे हैं भाई। बहुत हैवी किस्म की बारिश हो रही है माशाल्लाह। चेक कर सकते हैं, दूसरा रोज़ा है और ठंड लग रही है बड़ी हैवी। वो कोई नहा रहा है? नहीं, नहा नहीं रहा, वैसे ही है। मुझे लगा कोई नहा रहा है, वो खड़ा बंदा, ये ऐसा लगा जैसे कोई नहा रहा है और कोई और चीज़ आई। ओए होए होए होए, लेवल है लेवल, चेक कर सकते हो। ठंड लग रही है? नहीं। आयरा को ठंड नहीं लगती भाई, आयरा को ठंड नहीं लगती है ना। इधर हो जा, इधर बारिश आ रही है, इधर हो जा, इधर हो जा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त भाई। वेलकम अदर व्लॉग में, खुश आमदीद आपको कहते हैं। और आज है डे नंबर 2, रोज़ा नंबर 2। आज रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 2, इतना ठंडा रोज़ा हुआ है। आए हाँ, जस्ट आ गया अभी। आज मैंने दरवाज़ा ये खोला है, इनके पास वैसे ही बैठा हूँ आगे। बड़ा मज़ा आता है यार, सीरियसली ऑनेस्टली इनके पास मैं आगे बैठा, बड़ा इन्जॉय करवाते हैं ये। बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं ये लोग, ठीक है। अभी अभी मैंने ये खोला है, सारों ने छलांग नीचे मारी हुई है, वो देखें सारे नीचे गए हुए हैं। अभी मैं ये मुर्गी भी आने को कर रही है, पर ये दो बछिंदे अंदर हैं जिस वजह से ये ना आ नहीं रही। तो इसके पाँव पे यार कुछ हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। देखो इसके पाँव पर कुछ हुआ है, वो देखो ये पता नहीं क्या हुआ है इसके पाँव पे। लगता है मुझे इसने कहीं मारा मुरा है, हल्का सा जख्म जुख्म हुआ है इसके पाँव पे। ये गया नीछे हिम्मत करके मार ही गया छलांग। ये भी आएगा सबको देख के इंशाल्लाह। आ जा आ जा आ जा। ओए ओए, ये छलांग है, ये छलांग मारी। तू ही आया थले, तेने की है ना 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 ना। इधर 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 वापस, इधर नहीं जाना। लो जी, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का मंजर। वैसे ये अभी बादल बहुत ज़्यादा हैं, ये देखो साइडों पे, ये सूरज वैसे ही निकला है और इसने 4 चांद लगा दिए हैं भाई शाम में। आए बारिश बहुत तेज़ हुई है भाई, ठंड नहीं तो नहीं लग रही, हवा चलेगी तो ठंड लगेगी भाई। वो हैवी, आप लोग इधर छत से आइडिया कर सकते हो किस तरह गीली हुई पड़ी। अच्छा चेक करो, नीचे देखा पानी पानी हुआ हुआ है। इनको मैंने अभी बाहर निकाला। अरे नदी नाले बन गए हैं लाहौर में बड़ी हैवी किस्म की बारिश हुई है। चलो सुबह से हो रही है यार, फ्राइडे है, एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी बारिश होगी, ठीक है। आज इफ्तार में हमारे पास है फ्रूट चाट, दही भल्ले एंड पकौड़े, जो एज़ यूजुअल हर मतलब के अफ्तारी में आपको मिल जाता है। ऐसे ही है क्योंकि ये मेन है ना चीज़ें भाई। अच्छा रोटी में क्या खाना है? रोटी में खाना है कुछ? ये रोटी है। चलो रोज़ा खुल गया, कितने पे खुलना है? मेरे ख्याल से खुल गया रोज़ा, खुलने वाला है जनाब। रोज़ा खोलते हैं और सेकंड रोज़ा है। भाई साहब अभी का सीन ये है कि हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने, ठीक है। सामान क्या मतलब, दूध लेने जा रहे हैं सहरी के लिए, दही लेने जा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ले आता हूँ, सहरी के टाइम नहीं जाया जाता। तो दूध दही लेके आना है, अम्मी की मेडिसिन कुछ लेके आनी है, वो लेने जा रहा हूँ। और तीसरा वैस में आना है, ठीक है। बाहर अच्छी खासी सर्दी हो रही है यार, मुझे ठंड लग रही है। रात को मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है लाहौर का आजकल, रात के टाइम कुछ ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो अभी मैं दही दूध लेने जा रहा हूँ और जोडिप मेडिसिन लेनी है अम्मी की, जोडिप लेनी है ना, इसलिए मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ जोडिप लेके आनी है। तो मेडिसिन लेनी है, अवैस ने खाना है, तोता चेंज करने है। अभी मैं उसको कॉल करता हूँ, पूछता हूँ उसका क्या प्लान है। तो पहले सामान ले आता हूँ, उसके बाद उसको कॉल करके फिर पूछते हैं कि भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तेरा क्या प्लान है, ठीक है। अभी सामान लेने चले हैं।
भाई साहब जो सामान लेके आना था हम ले आए हैं, ठीक है। दूध और दही हमारी आ गई है, सामान हमारा आ गया, दवाई भी ले आए हैं। अब अवैस को कॉल करनी है, अवैस को कॉल करके पूछते हैं कि भाई तेरा क्या प्लान है। तो जो भी अवैस का प्लान हुआ, ठीक है, उसके मुताबिक भी देखते हैं, क्योंकि अवैस ने आना है। वो जो तोता हमने चेंज किया था लास्ट टाइम, आप लोगों को याद होगा, येलो वाला तोती हमारे पास आ गई थी, तो वो तो भाई जस्ट नहीं हो पाई, बिल्कुल भी नहीं हो पाई। तो अब फिर हमने चेंज करना है, तो देखते हैं अवैस का क्या प्लान है। वो कह रहा था तरावियों से पहले कि मैं आऊँगा, अभी का पता नहीं उसका क्या सीन है, कॉल करके पूछता हूँ। यार अवैस को मैंने कोई दो तीन कॉलिंग कर लिया, मेरी कॉल नहीं उठा रहा, पता नहीं किधर बिजी है। तो फ़ोन इसका इधर उधर पड़ा हुआ, इस वजह से कॉल नहीं उठा रहा। अगर अभी कॉल आ गई तो ठीक है, अभी एक दफ़ा थोड़ी देर तक मैं फिर दोबारा करता हूँ, शायद कॉल उठा ले। और अभी मुझे लग रही है भूख तकरीबन 11 बज रहे हैं, और समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों को पता शहरी का टाइम सिद्ध होता है, और उसके बाद फिर जो है ना वो सहरी नहीं हो की जाती सही तरह। तो क्या खाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या खाऊँ। बोतल नहीं पीनी, बोतल पी गए पहले गला मसा ठीक हुआ मेरा, तो चांस नहीं है बोतल का, समझ नहीं आ रही फिलहाल। हल्का भी क्या खाऊँ यार। भाई साहब अवैस का कोई सीन नहीं बन रहा, दूर तक नहीं बन रहा, पता नहीं किधर बिजी है यार। अभी मैंने फिर वेट कर रहा हूँ उसकी कॉल का, आ जाए, बट मुझे नहीं लगता, तकरीबन 11:15 होने वाले हैं, ठीक है, और थोड़ी और मतलब कि आधे घंटे तक मुझे खुद नींद आ जानी है, कोई काम नहीं होना, क्योंकि मैं सहरी में फिर उठना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने सहरी में उठना होता है, सहरी में उठ के फिर मैंने मतलब कि सहरी करके नमाज पढ़ के फिर तोतों वगैरह का सारा सामान बना के उनको डाल के फिर सोना होता है। तो वो सहरी में थोड़ा सा उठना मेरे लिए मुश्किल होता है, वो जो मैंने तकरीबन 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटे मैंने जागना है, तो वो सारा सिस्टम ज़रा इस टाइम सो के बराबर होता है मेरा। तो अवैस नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल उसके साथ मुलाकात हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ। तो शायद एक दो काम और भी मैंने करने हैं सुबह, इंशाल्लाह वो करेंगे, और मक्खी तंग करिए, तो लव बर्ड भी शायद सुबह लेने हम जाएं, अगर लेने गया तो लाजमी आप लोगों के साथ तो भाई मोस्ट कंफर्म शेयर करना है, ठीक हो गया। और जो लव बर्ड लेके आने थे हमने, ठीक है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है चांस पे है, बट अगर गया तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो भाई सब्सक्राइब से ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ान में दुआओं में याद रखना है अपने भाई को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।